अल्लाह ने चाहा तो रोक लेंगे आए भाई। मेरी आज ख्वाहिश है आप पुलिस की लाज रखें, आप तो पुलिस ऑफिसर हैं और पुलिस ऑफिसर का बड़ा एहतराम है जुनैद भाई हमारे लिए। जी जी बिल्कुल। और आप यंग भी हैं। कबूल करें। हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट मैं पहनता हूँ, मेरा हेलमेट मैंने लाहौर होटल दिया हुआ। क्या बातें पूरे लाहौर शहर की है? नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुने, उसकी साइड टूटी हुई है। आपकी लव स्टोरी इनके साथ करवाएं थोड़ी सी। हेलमेट है सिर्फ टूटा हुआ, इसको ठीक करवाने के लिए दिया। हमारा हेलमेट 65,000 का हमें महकमे से मिला। रिक्वेस्ट है उसे पे प्लीज सर। लव लव मस्ता है क्या? पागन पालो इनू, पागन इनू पालो, सट लग जाए। ये बच्ची ने हेलमेट पहना हुआ है, बच्ची बेटा मैं आपको सलूट करता हूँ। आपने देखा नाजरीन, ये हाल है पुलिस वाले का। उन्होंने अपनी बेगम साहबा को पीछे बैठाया हुआ था, पूरे डैडी जान बने हुए थे पूरी रोड के। कानून शिकन मेरी नजर से नहीं बच सकेंगे क्योंकि मैं क्राइम फाइल एक ऐसी फाइल हूँ जिसके हर पन्ने के ऊपर होने वाला जुर्म रुका हुआ है। आए आज एक जुर्म को रोकने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो रोक लेंगे। आए भाई आए, मेरी आज ख्वाहिश है आप पुलिस की लाज रखें। आए आप तो पुलिस ऑफिसर हैं और पुलिस ऑफिसर का बड़ा एहतराम है जुनैद भाई हमारे लिए। जी जी बिल्कुल। और आप यंग भी हैं, कबूल करें, खूबसूरत भी हैं, बड़े लिखे भी हैं। हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट मैं पहनता हूँ, मेरा हेलमेट मैंने लाहौर होटल दिया हुआ। क्या बातें पूरे लाहौर शहर की है? नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुने, मैंने हेलमेट दिया है सिर्फ लाहौर स्टेशन पे, उसकी साइड टूटी हुई है। आपकी लव स्टोरी इनके साथ करवाएं थोड़ी सी। सर करवा दें, हम ये पहले भी जानते हैं, आपकी मेरी मुलाकात हुई है मार रोड पे, आपको शायद याद नहीं। मुझे इतना पता है यू आर वेरी एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर, आई नो वेरी वेल, लेकिन आप हमारा सरमाया है, आपके ऊपर 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है। कम करें सर, आपने आज ही हेलमेट लेना इंशाल्लाह। मैं सब हेलमेट मेरे पास है। आपने हेलमेट नहीं उतारना मोटरसाइकिल? सर मेरे पास हेलमेट है सिर्फ टूटा हुआ, इसको ठीक करवाने के लिए दिया। हमारा हेलमेट 65,000 का हमें महकमे से मिला हुआ। रिक्वेस्ट है उसे पे प्लीज सर। लव लव थैंक यू थैंक यू। एक शहाना आदमी जब अच्छे माँ बाप की औलाद इज्जत से बात करे उसे एक मौका जरूर फराहम करना चाहिए। आपको इसे क्या ख्याल है कि फिनोमेना है क्या, मौत क्या है कि दिन रात आप पागल हो गए हैं? ट्रैफिक वार्डन्स दिन रात एक कर दिए, सर्दी गर्मी नहीं देखते, ये हेलमेट क्यों नहीं पहनते? अभी बहुत ज्यादा बेहतरी आ गई हुई है, फर्क पड़ा है, फर्क काफी पड़ गया है। पहले जैसे एक ट्रेंड ही नहीं था, अभी जैसे ये जो एरिया है सिटी डिविजन जो है खासतौर पर इधर बहुत कम हेलमेट यूज कर रहे थे, सोच भी नहीं थी, लेकिन अभी आप देखेंगे काफी डेवलप कर दिया, बेहतरी आ रही है। वर्क से है ना, टीम वर्क है, जैसे हमने ये कंपेन शुरू हुई है और फिर हम इसको फोकस कर रहे हैं जैसे सीनियर्स का हुक्म है हमें। नहीं आप लोगों की बड़ी हिम्मत है, आप लोग तो पता नहीं क्या क्या फजूल बातें इन लोगों की सुन रहे होते हैं। मैं तो खुदा की ट्रेनिंग में ये चीज शामिल है, लेकिन आज बेहतरी आ रही है। कानून शिकन लोगों को पुलिस अफसरों को भी रोकेंगे ताकि उनको थोड़ा सा तंबीह कर सके या उनको चलान कर सके। आइए नाजरीन लोग आज देखते हैं कि क्या होता है। वो लोग जो हेलमेट से बिल्कुल बालातर हैं और फैसला करके बैठे हैं मैंने हेलमेट नहीं पहनना, आज उनको हेलमेट पहनाएंगे अल्लाह के हुक्म से, आज उनको पहनाएंगे, आज उनको पहना ही देंगे, आज पहना देंगे। मैं ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा कोई पुलिस अफसर मिल जाए। क्या हाल? हेलमेट पहने भाइयन, हेलमेट पहने भाइयन, हेलमेट पहने। ये वहां पड़ा हुआ था, वो नहीं पहना नहीं, हेलमेट पहने भाई, हेलमेट पहने, हेलमेट पहनो बेटा, हेलमेट पहनो, शर्म करो कोई। नाजरीन वो पुलिस ऑफिसर जो तरंतर है, तरंतर समझते हैं, तरंतर जिसने कसम खाई हुई है कि मैंने कानून को तोड़ना है, आज उसको याद कराएंगे कि कानून तुम्हारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आम शहरी के लिए जरूरी है। तो नाजरीन एक कोशिश करते हैं कि एक पुलिस अफसर को हमने रोका लेकिन उसने गुंजाइश नहीं छोड़ी कि उनको रियायत ना दी जाती, इसलिए हमने उनको एक मौका फराहम किया क्योंकि वो एक नहायत पढ़ा लिखा, एक एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर था, वेल ड्रेस था। तो देखते हैं मस्ता है क्या? पागन पालो इनू, पागन इनू पालो, सट लग जाए, पालो पालो इनू पालो। ये बच्ची ने हेलमेट पहना हुआ है, बच्ची बेटा मैं आपको सलूट करता हूँ, ये बच्ची ने हेलमेट पहना हुआ है। ये देखिए दो बंदे बैठाए हुए हैं, आपका क्या ख्याल है सर, मस्ता क्या है इनको? आपको मैं रोजाना दिन रात मेहनत करते हुए देखता हूँ। मसला ये है कि पब्लिक जो है ना, हाँ जी जिद्दी होगी, जिद्दी है, इनको एजुकेट करने की जरूरत है। फाइट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइट के लाखों से आते हैं ना, आपने देखा होगा कि अभी इसमें दो पीछे लेडीज बैठी हुई है,
और लेडीज बिठा गई है ऐसे समझते जैसे हमने लाइसेंस ले लिया है बगैर हेलमेट के आने का या वन में आने का, जबकि कानून तोड़ा, कानून तोड़ा और अपनी जिंदगी को भी मुश्किल में डाला, अपनी जिंदगी को भी मुश्किल में डाला है और दूसरों को भी जो सीधे रास्ते से आ रहा है उसमें अपनी स्पीड में जाना है ना। ये है, हम एक पुलिस ऑफिसर भी रोकेंगे आज, ठीक है रोकेंगे, ताकि कम अज कम हम उसको याद करा सकें कि यार तुम्हारे ऊपर भी कानून लागू है, सबके लिए है, उन्हें खुद चाहिए कि, लेकिन वो ख्याल नहीं करते अपने ही बेटी भाइयों का। मैंने देखा, आपने देखा नाजरीन, ये हाल है पुलिस वाले का, उन्होंने अपनी बेगम साहबा को पीछे बैठाया हुआ था बगैर हेलमेट के थे, पूरे यहाँ पर अब्बा जी बने हुए थे, पूरे डैडी जान बने हुए थे, पूरी रोड के, पूरी रोड के एक दो तीन चार पांच पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हैं यहाँ पर, पांच दो चार सब इंस्पेक्टर एक सेक्टर इंचार्ज खड़े हैं, उनका अदब नहीं आया, उसको उनका अदब नहीं आया कि वो कानून की किताबें खड़ी हैं, नहीं आया, लेकिन आज अदब सिखा देंगे, आज सिखाएंगे तो अपने हुक्म से सिखाएंगे। नाजरीन आज अल्लाह ताला ने कहा तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे नंग धड़ंग का लेवल क्या है, यहाँ पे बदमाशी गुंडागर्दी, यहाँ पर पुलिस वायलेशन, यहाँ पर कवानीन की वायलेशन, ये सारी चीज़ें किस तरह अपना राज कर रही हैं ये आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये क्राइम फाइल, और जब क्राइम फाइल होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके तो बेड़े पार ही हो जाते हैं उस बंदे के, उसको लग भी समझ आती है क्योंकि उसकी क्राइम फाइल हो जाती है, उसकी क्राइम फाइल हो जाती है, क्योंकि मैं क्राइम फाइल हूँ, मुझे फाइल करना आता है। अल्लाह हाफिज़।